Good morning, students. I hope you all are doing well. So, student, today I am going to explain you book exercise of chapter number 3. So, open your book and start with me. So, students, page number 19, question number 1st. Choose the correct option. Hame correct option choose karna. Mother Teresa was born in the year. Kaun se year mein unka born hua tha? 1910 mein. ओके तो इस पे टिक कर दीजिए. नेक्स्ट द नेम गोनिक्सा मींस क्या था? रोज था क्या? नहीं. पेटल्स था? नहीं. फ्लावर बर्ड था? यस. तो हम ए पर टिक कर देंगे फ्लावर बर्ड पे. क्लियर. नाउ टर्न द पेज, पेज नंबर 20. थर्ड, एग्नीस लव्ड टू रीड अबाउट. एग्नीस मतलब मदर टेरेसा को कौन सी चीज़ बहुत पसंद थी, क्या रीड करना बहुत पसंद था? सुपर हीरोज़ के बारे में, सेलिब्रिटीज़ के बारे में, ग्रेट पीपल के बारे में. उन्हें क्या पसंद था? ग्रेट पीपल के बारे में रीड करना पसंद था. तो हम सी पर टिक कर देंगे. नेक्स्ट, मदर टेरेसा बिगेन सर्विंग द पुअर इन. कहाँ पर वो बताना सर्विंग करते थे पुअर पीपल की? दिल्ली में, चेन्नई में और कोलकाता में. कहाँ पर? कोलकाता में. तो हम कोलकाता पे टिक कर देंगे. क्लियर. सेकेंड, राइट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. ट्री लिखना है, टी लिखना है ट्रू के लिए और फॉल्स लिखना है फॉल्स स्टेटमेंट के लिए. फर्स्ट, मदर टेरेसा वॉज कॉल्ड गोनिक्सा बिकॉज शी वॉज स्किनी. क्या ऐसा था उनका नाम गोनिक्सा इसलिए रखा था कि वो बहुत स्किनी थी? नहीं. उनका नाम गोनिक्सा क्यों रखा था? क्योंकि वो बहुत गोलू मोलू थी. और कैसी थी वो? पिंक थी और चेयरफुल थी, इसलिए रखा था. तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स. नेक्स्ट, हर पेरेंट्स वर वेरी केयरिंग. क्या उनके पेरेंट्स जो थे वो बहुत ही केयरिंग पर्सन थे? यस. तो इस पे हम कर देंगे ट्रू. नेक्स्ट, शी केम टू इंडिया एंड बिकेम अ नन. क्या वो इंडिया आ गई और एक नन बन गई? यस. तो इस पे भी हम क्या कर देंगे? ट्रू. नेक्स्ट, शी डिड नॉट केयर फॉर द पीपल एंड नीडी. क्या वो बिल्कुल केयर ही नहीं करते थे पुअर मतलब गरीब और नीडी ज़रूरतमंदों की? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था. वो तो बहुत ज़्यादा केयर करते थे. ओके, सो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा. नाउ स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आंसर्स दिखाई दे रहे हैं आपको. यहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर्स के फ़ोटोज़ मैं आपको शेयर कर दूँगी व्हाट्सएप पर. आपको अपनी जो फेयर कॉपी है, CW कॉपी है, उसमें वर्ड मीनिंग्स के बाद क्वेश्चन आंसर्स दिखने हैं. क्लियर. नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2, ये आपको नहीं करना है, इस पर आप क्रॉस कर दीजिए. नाउ कम ऑन द पेज नंबर 21. Correct the spelling of the following words from the text and rewrite them. यहाँ पर words दिए हैं, इनकी spelling में mistake है students. तो हमको यहाँ पर जो mistakes है उसको correct करके नई spelling लिखना है जो correct है. Clear? Great, T. इसमें T E लिख रखा है पर great की spelling में तो पीछे T नहीं E नहीं आता है. तो हमने क्या लिख दिया? ग्रेट. नेक्स्ट है फैमिली. ली में हम ऐसे करते हैं क्या? एल आई? नहीं, हम तो वाई लिखते हैं. तो क्या आएगा? फैमिली. ओके. नेक्स्ट, पेरेंट. पेरेंट में ई नहीं आता है, पी ए आता है. तो हमने ई की जगह क्या लिख दिया? ए लिख दिया और करेक्ट स्पेलिंग लिखी. नेक्स्ट, रिमेम्बर्ड. अब रिमेम्बर्ड होता है तो रिमेम्बर्ड में यहाँ पर ए की जगह क्या आएगा स्टूडेंट? ई आएगा. तो हमने करेक्ट स्पेलिंग में ई लिख दिया. नेक्स्ट है चर्च. तो यहाँ पर सी एच आना चाहिए पर यहाँ पर तो एच लिखा ही नहीं है. तो हमने क्या लिख दिया? सी एच यू आर सी एच. नेक्स्ट, सेंस. अब स्टूडेंट यहाँ पर आई मिसिंग है करेक्ट स्पेलिंग में. S A I एंड T होता है तो हम लोगों को यहाँ पर क्या ऐड करना है? I ऐड करना है. क्लियर. नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2,
गिव वन वर्ड ईच टू डिस्क्राइब, एक एक वर्ड देना है हमको इनको डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। मदर टेरेसा कैसी पर्सन थी वो? बहुत ही नोबल पर्सन थी, महान पर्सन थी, ग्रेट थी वो, तो हमने क्या नेम दे दिया? नोबल, क्लियर। सेकेंड ट्रेनाफेला कॉनेक्सा, ये कौन है? मदर टेरेसा की मदर का नेम है। वो कैसी थी स्टूडेंट? हार्ड वर्किंग और कैरिंग थी, तो हमने क्या नेम दे दिया? हार्ड वर्किंग और कैरिंग। नाउ स्टूडेंट्स टर्न द पेज, पेज नंबर 22। राइट डाउन इफ द अंडरलाइंड नाउन इज सिंगुलर और प्लूरल। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो अंडरलाइंड नाउन्स दिए हैं आपको वो बताना है कि वो प्लूरल है कि सिंगुलर है। सिंगुलर मतलब वन और प्लूरल मतलब मोर देन वन। सिंगुलर मतलब एक और एक से ज़्यादा है तो हम क्या लिखते हैं? प्लूरल, मोर देन वन। सो स्टूडेंट सोफी गॉट अ कैट फॉर हर बर्थडे। कैट, अब स्टूडेंट ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? यहाँ पर पीछे एस ऐड है क्या? नहीं ऐड है, तो हमने क्या लिख दिया? ये क्या है? सिंगुलर है। नेक्स्ट आई लाइक टू ईट पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा, अब यहाँ पर पीछे कुछ पता चल रहा है क्या? क्या ये प्लूरल है? एस वगैरह नहीं है, तो हमने क्या लिख दिया? ये सिंगुलर है, तो हमने एस लिख दिया। द डॉग हैज सिक्स पपीज। एक पपी होता है तो हम क्या बोलते हैं? पपी। पर एक से ज़्यादा रहते तो हम क्या बोलते हैं? पपीज। तो यहाँ पर मोर देन वन की बात हो रही है, एक से ज़्यादा की बात हो रही है, तो हम क्या लिखेंगे? पी। नेक्स्ट द फेरी सेट द वुड कटर टू हैव द थ्री विशेज। अब स्टूडेंट्स ई एस ऐड हुआ है तो ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? और थ्री भी लिखा है, एक से ज़्यादा है, मोर देन वन है, तो ये क्या है? पी, प्लूरल, क्लियर। नाउ स्टूडेंट योर बुक एक्सरसाइज इज ओवर। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट एंड क्वेरी सो गिव द कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।